Gopal Namkeen, powered by Shrimatiji, product partner Umiya Tea, in associate with Atmiya Dental Clinic, gifting partner Sindhu Super Clean, bakery partner Vinod Bakery. हेलो फ्रेंड्स, केम छो मजा माने स्वागत छे तमारो गोपाल नमकीन प्रेजेंट्स अबतक डिलिशियस रसथाड़ में स्पोन्सर बाय श्रीमतीजी प्रोडक्ट स्पोन्सर उमिया चा। दर्शक मित्रों, कहवाय छे ने कि ये दिल है कि मानता नहीं। आपड़ा दिल ने दरेक दररोज कई ने कई नवुं खावानी इच्छा थती होय छे, तो तमारा दिल ने मनावा माटे आज अमे आवी पहोंच्या छीए राजकोटनी फेमस होटल फन होटल में। अने आपणी साथे आज किचन फ्लोर पर उपस्थित छे त्याना सेलिब्रिटी शेफ शशि। तो चलो एमनी पासेथी जाणीए कि आज आपणा माटे कई रेसिपी लईने आव्या छे। शेफ शशि, कैसे हो आप? ऑल वेल। ओके, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी रेसिपी लेके आए हो? आज हम बहुत ही एक खास रेसिपी लेके आए हैं जो ये हर घर में बनाया जा सकता है, एंड दैट इज़ कढ़ाई पनीर भुर्जी। ओके, दर्शक मित्रों, कढ़ाई पनीर भुर्जी आपणे शीखी रह्या छीए। पंजाबीओनी जे फेवरेट डिश छे ए आपणे शीखी रह्या छीए। तो चलो आ रेसिपी विषे वधु जाणीए। शेफ, कढ़ाई पनीर भुर्जी कहाँ की रेसिपी है? ये बेसिकली पंजाबी रेसिपी है। ओके, पंजाबी क्यूजिन की ये रेसिपी है। तो ये रेसिपी के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें? मेनली इसमें सबसे पहले तो हम पनीर लेंगे जो ग्रेटेड किया हुआ हो, और जुलियन कट में कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो, देन सम ग्राउंड स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, कस्तूरी मेथी, होल जीरा, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। राइट। तो दर्शक मित्रों, कढ़ाई पनीर भुर्जी बनावा माटे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, शेफ पण रेडी है, हूँ पण रेडी छूँ। तो चलो स्टार्ट करिए आजनी अपनी रेसिपी। शेफ, स्टार्ट करें? या वी कैन स्टार्ट। यस। सबसे पहले तो हम एक पैन लेंगे और उसको हीट करेंगे। एक कढ़ाई लेशुं अने आपणे गरम करीशुं। इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। कढ़ाई में आपणे थोड़ा बटर नाखीशुं, इसको मेल्ट करेंगे। ओके। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम क्यूमिन सीड्स डालेंगे। चपटी जेटलू आपणे जीरुं नाखीशुं, एंड इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक ये थोड़ा स्प्लटर्ड हो जाए, यानी थोड़ा छिटकने लगे। ओके। जीरुं ततड़े त्यां सुधी आपणे एने पकाववानुं छे। इन बिटवीन हम ये जो जुलियन कटा हुआ प्याज है ये हम ऐड करेंगे। राइट। और इसको सौते करेंगे। लांबी समारेली डूंगरी नाखीशुं आपणे। अनियन को हमें कितनी देर तक पकाना है? ये लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अनियन जितना पकता है, यानी थोड़ा ब्राउन होता है ना, तो इसका जो एक स्वीट टेस्ट होता है वो चला जाता है। तो ब्राउन होने तक हमें पकाना है। हाँ, ब्राउन होने तक पकाना है। गोल्डन ब्राउन थाय अनियन आपड़ा त्यां सुधी आपणे एने फ्राय करीशुं। जैसा कि हमारा अनियन लगभग हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच लिया है हमने। हाँ, 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। 1 नानी चमची आपणे आदू लसणनी पेस्ट लईशुं। इसको हम कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। ओके। सतत हलावता रहीशुं आपणे के जेथी आपड़ा मसाला जे छे बरी ना जाए। इसको हम स्लो कर देंगे। ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट पक गया है। अब इसमें हम जो भी ग्राउंड स्पाइसेस है वो एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे। स्वाद मुजब आपणे मीठुं नाखीशुं। धनिया पाउडर। त्यारबाद आपणे 1 चमची धाणा जीरु पाउडर नाखीशुं। गरम मसाला पाउडर 1 चमची गरम मसाला पाउडर नाखीशुं। रेड चिली पाउडर। ओके। जितनी तिखास जो है इतना आपने रेड चिली पाउडर लाल मरचू नाखीशू, थोड़ा सा किचन किंग मसाला डालेंगे हम, अर्धी चमची किचन किंग मसालो नाखीशू। इसको हम स्टर करके पकाएंगे। ओके। अब जैसा कि हमने सारे ग्राउंड स्पाइसेस डाले हैं तो इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच पानी डालेंगे ताकि ये जले नहीं। पाउडर मसाला नखाई जाए पछी आपणे 1 થી 2 चमची જેટલું પાણી નાખીશું કે આપણા મસાલા જે છે એ બરે નહીં। તો દર્શક મિત્રો આપણો મસાલો રેડી થઈ રહ્યો છે, ત્યાં સુધી આપણે લઈએ એક નાનકડો બ્રેક। तो दर्शक मित्रों ब्रेक बाद आपनु फरीथी स्वागत छे। आपणो मसालो रेडी थई रह्यो छे, नेक्स्ट प्रोसेस आपणे जाणीए। इसमें हम ये जो जुलियन कटा हुआ कैप्सिकम है, राइट, ये ऐड करेंगे। लांबा समारेला कैप्सिकम नाखीशुं आपणे। हमें लगेगा कि थोड़ा पानी और ऐड करना चाहिए तो हम थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हैं जैसे कि इसमें रिक्वायर्ड है। जरूर मुजब आपणे 1-2 चमची पानी नाखीशुं। शेफ, ग्रीन कैप्सिकम के साथ हम रेड और येलो कैप्सिकम भी ले सकते हैं? नहीं, इसमें हम सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम ही यूज करते हैं, रेड येलो कैप्सिकम हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो इसको चेंज कर देता है। राइट। जैसा कि हमारा मसाला पक गया है, अब इसमें हम ये जुलियन कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। लांबा समारेला टमाटा नाखीशुं आपणे। शेफ, इसमें जो भी हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं वो जुलियन कटिंग होने चाहिए? हाँ, ये जुलियन कटिंग ही होना चाहिए। पाछुं तमने जरूर लागे तो 1-2 चमची पानी नाखी शको छो। मसाला हमारा रेडी है, अब इसमें हम ये जुलियन ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। पनीर की क्वांटिटी कितनी रखनी है? ये पनीर की क्वांटिटी 80 ग्राम के लगभग है। 80 ग्राम જેટલું આપણે છીણેલું પનીર નાખીશું। एक्चुअली ये ड्राई होता है तो इसमें ग्रेवी नहीं होता है, लेकिन हमें अगर लगता है कि थोड़ा सा इसमें और लटपटा करना है तो हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली टोमेटो पेस्ट है, रेसिपी है वो ड्राई होती है। हाँ, ये ड्राई होती है। तो दर्शक मित्रों खास ध्यान रखવાનું છે કે આપણું જે પડાઈ પનીર મસાલા જે છે એ ડ્રાય હોવું જોઈએ, આ લિક્વિડ ફોર્મમાં નથી હોતું અથવા તો ગ્રેવી ફોર્મમાં નથી હોતું। लास्ट में हम एक कस्तूरी मेथी है, इसको हम क्रश करके और इसमें ऐड कर देंगे। છેલ્લે તમે હાથેથી થોડી મસરેલી કસ્તુરી મેથી નાખી શકો છો। देखिए हमारा कढ़ाई पनीर भुर्जी रेडी है। राइट। ये एक बहुत ही डिलीशियस और ये फन होटल में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा गेस्ट लाइक करते हैं इसको। तो हम इसको अपने रेसिपी में भी हमने रखा है, हमने मेनू में रखा है और इसका रेसिपी बहुत ही ईजी है। ये घरों में भी कोई भी बना सकता है और एक अलग टेस्ट दे सकता है। शेफ ये 1-2 मिनट तक फ्राई हो रहा है, तब तक हम एक ब्रेक ले लें। हाँ दर्शक मित्रों, आपणुं कढ़ाई पनीर मसाला जे छे ए 1 થી 2 મિનિટ સુધી ફ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે લઈએ એક નાનકડો બ્રેક। मेरी रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो है अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट 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 के चक्कर में अभी जिंदगी कट जाती है। कंफ्यूजन के दौर में जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उमिया चाय का, लाइफ बैलेंस हो जाती है। शुक्रिया उमिया चाय का। ब्रेक बाद आपनु फरीथी स्वागत छे। आपणो कढ़ाई पनीर भुर्जी छे ए रेडी छे। नेक्स्ट प्रोसेस जानी आपणे शेफ पास थी। शेफ हमारा ये मसाले जो है ये हो गए, अभी क्या करना है? ये हमारा कढ़ाई पनीर भुर्जी रेडी हो गया है। अब इसको हम फाइनल टच के लिए इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, इसका थोड़ा टेस्ट और बढ़ाने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए। हाँ ये थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है और एक टेस्ट और इंक्रीज हो जाता है इसका। देन हमारे पास क्रीम भी है, तो थोड़ा सा और इसको रीच और शाइन देना है तो इसमें हम थोड़ा सा क्रीम ऐड कर देंगे लास्ट में। रिचनेस और शाइनिंग माटे आपणे क्रीम नाखीशुं। अब इसको हम सर्व करेंगे। शेफ ये जो भुर्जी है इसका बेसिकली टेस्ट कैसा होता है? ये स्पाइसी होता है या फिर माइल्ड होता है? पनीर भुर्जी बेसिकली ये स्पाइसी होता है और ये एक जैसे कि पंजाबी कुजिन से बिलोंग करता है, तो इसके साथ में तंदूरी रोटी, तंदूरी नान बहुत ही अच्छा लगता है। और जब इसमें से थोड़ा तेल छोड़ने लगे, तेल निकलने लगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, यानी ये अच्छा से ये पका हुआ है। ये मसाले सारे पके हुए हैं। बेसिकली ये भुर्जी की साइन ये है कि जब ये पक जाएगा तो उसमें से ऑयल जो है वो रिलीज होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट पका हुआ है। राइट। तो दर्शक मित्रों, कढ़ाई पनीर भुर्जी मांथी ऑइल रिलीज थवा लागे, बटर रिलीज थवा लागे એટલે એની સાઇન આવી જાય છે કે આપણી ભુર્જી જે છે એ એકદમ પાકીને રેડી છે। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा साइन दिया हुआ है, राइट साइनिंग लग रहा है ये। अब ये हमारा पनीर भुर्जी रेडी हो गया। अब इसको हम गार्निश के लिए इसके ऊपर से ये जुलियन कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। गार्निशिंग माटे आपणे लांबा समारेला टामेटा नाखीशुं। कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। ओके, कैप्सिकम नी साथे पण आपणे गार्निशिंग करी सकीए छीए। और ये जो कस्तूरी मेथी है ये भी हम ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऊपर थी थोड़ी कसूरी मेथी नाखीने आपणे गार्निशिंग करीशुं। और थोड़ा सा बटर इसके ऊपर डाल देंगे। फाइनल टच आपणे बटर थी आपीशुं। ये हमारा पनीर भुर्जी रेडी हो गया। अब आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा टेस्ट है। डेफिनेटली। तो दर्शक मित्रों, आपणी कलरफुल अने पंजाबी क्विजीननी अने बधानी फेवरेट एवी पनीर भुर्जी बनीने रेडी छे। हूँ आपने टेस्ट करीने जणावुं केवी बनी छे। दर्शक मित्रों आज पनीर भुर्जी जे एकदम डिलिशियस और चटपटी एकदम बनी है। आना साथे तमे अपना गोपालना जे चवाणू है ए तमे सर्व करी सको। पनीर भुर्जी अपनी चटपटी है एनी साथे आपणुं चटपटू चवाणानुं कॉम्बिनेशन एकदम डिलिशियस लागे छे, तो तमे घरे जरूरथी ट्राय करो। आ रेसिपी बनावा माटे तमारे जोईशे रेसिपीनी सामग्री अने रीत, तो नोट डाउन करी लो सामग्री अने रीत। कढ़ाई पनीर भुर्जी बनावा माटेनी सामग्री पनीर 80 ग्राम, टमेटा 20 ग्राम, डूंगळी 20 ग्राम, आदू लसणनी पेस्ट 1 चमची, कैप्सिकम 10 ग्राम, जीरुं 1 चमची, कश्मीरी लाल मरचुं पाउडर 1 चमची, धाणा जीरुं पाउडर 1 चमची, गरम मसाला पाउडर 1 चमची, किचन किंग मसालो 1 चमची, मीठू स्वाद मुजब, कसूरी मेथी 1 चमची, कोथमरी 1 चमची, बटर जरूर मुजब। कढ़ाई पनीर भुर्जी बनावा माटेनी रीत। एक कढ़ाई लई तेमां बटर नाखी तेमां जीरुं एड करी झीणी समारेली डूंगळी, आदू लसणनी पेस्ट, मीठू, धाणा जीरुं पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मरचुं पाउडर, किचन किंग मसालो जरूर मुजब पाणी नाखी मिक्स करो। तेमां लांबा समारेला कैप्सिकम, लांबा समारेला टामेटा, छीणेलुं पनीर, टोमेटो पेस्ट, कसूरी मेथी नाखी मिक्स करो अने सर्विंग बाउलमां काढो। सर्विंग बाउलमां काढ्या बाद उपरथी कोथमरी नाखी गार्निश करो, तो तैयार छे आपणुं कढ़ाई पनीर भुर्जी। तो दर्शक मित्रों स्पाइसी और टेस्टी आवी एवी आपणी पनीर कढ़ाई भुर्जी बनीने रेडी छे। शेफने पासेथी जाणी आपणे के ते जो तमारे आ रेसिपी घरे ट्राय करवी होय तो एना माटे कई टिप्स तमे ध्यान में राखशो। शेफ, ये रेसिपी इजीली हमारे व्यूअर्स घर पे बना सके उसके लिए आप क्या टिप्स दोगे? ये जो रेसिपी है ये घरों पे बहुत ही ईजी तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले तो पनीर को ग्रेट करके रखना है और जो अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो है उसको जूलियन करके रखना है। देन उसमें जो ग्राउंड स्पाइसेस है वो रखने हैं, ज़्यादा ग्राउंड स्पाइसेस नहीं है। उसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और एज इफ़ यू आर गेटिंग किचन किंग मसाला आप किचन किंग मसाला भी रख सकते हैं। सॉल्ट एंड जो ब्लैक पेपर होता है उसको क्रश करके रखना होता है, जो हर जगह ये अवेलेबल होता है। राइट, थैंक यू सो मच शेफ़ कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए पंजाबी क्यूजिन की इतनी टेस्टी एंड स्पाइसी रेसिपी सिखाने के लिए और साथ में उसके साथ जुड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए वेलकम। तो दर्शक मित्रों तमे ध्यानथी सांभळी हशे शेफनी टिप्स एंड आई एम श्योर कि आ रेसिपी तमे घरे जरूरथी ट्राय करशो। तो दर्शक मित्रों आ रेसिपीनी साथे साथे अमे आपना माटे लईने आव्या छे मजेदार क्विज कॉम्पिटिशन, स्पोन्सर बाय गोपाल नमकीन, गिफ्ट पार्टनर सिंधु सुपर क्लीन के जेना जवाब आपीने तमे लकी विजेता बनी शको छो। तो अमारो पहलो प्रश्न छे, आ रेसिपी कया क्विजिन्स थी बिलोंग करे छे? अमारो बीजो प्रश्न छे, आ रेसिपी ग्रेवीना फॉर्ममां होई शके? अमारो त्रीजो प्रश्न छे, आ रेसिपीनो टेस्ट केवो छे? तो दर्शक मित्रों तमे नोट डाउन कर लीधा हशे बधा क्वेश्चन्स। आ प्रश्नोना जवाब तमे अमने अबतक मीडियाना फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अने व्हाट्सएप नंबर पर आपी शको छो। तो नोट डाउन करी लेजो अमारो व्हाट्सएप नंबर। अमारो व्हाट्सएप नंबर छे 94 266 72 303। तो दर्शक मित्रों आवी अवनवी चटपटी अने डिफरंट क्यूजिन्सनी वानगीओ अमे आपना सुधी पहोंचाडता रहेशुं, पण तमे जोवानुं चूकता नहीं। गोपाल नमकीन प्रेजेंट्स अबतक डिलिशियस रसथाळ, स्पोन्सर बाय श्रीमतीजी, प्रोडक्ट स्पोन्सर उमिया चा, एडवर्टाइजमेंट स्पोन्सर आत्मीय डेंटल क्लिनिक एंड गिफ्ट पार्टनर सिंधु सुपर क्लीन। टिल देन स्टे फूडी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।